और हम आज के इस जलसे से हम अपने उन फलस्तीन के मुजाहिदीन को, हमारी उन माँ और बहनों को सलाम करते हैं। हम दूर हैं मगर हमारी दुआएं आपके लिए हाथ उठे हुए, हम आपकी तकालीफ को देखकर हमारे आंख में आंसू भी आते हैं और हम में जज्बा भी पैदा होता है कि हम नहीं भूले हैं बैतुल मुकद्दस को और मस्जिद अक्सा को ना कभी भूलेंगे इंशाअल्लाह। हमने अपने इख्तलाफात की बिना पर, अपने जाती इख्तलाफात की बिना पर इस जगह को खो दिया और यही इसराइल अपनी ज़ायनिस ताकतें चाहती है कि इस तरह की हरकतें कर करके वो ये चाहता है कि एक मखसूस वक्त उनको मिल जाए ताकि वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस में घुस सके। ये प्लानिंग ये लोग बरसों पुरानी करते हैं, बरसों पहले अपनी प्लानिंग करते हैं ये ज़ायनिस लोग, मगर हमको हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुसलमान ये पूछ रहा है इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, बादशाहें हैं, ताकतें हैं, अरे छोड़ो उनको, आप उनकी तरफ मत रुख करो, अपना रुख अल्लाह की तरफ करो, अल्लाह से जोड़ो। हम मुसलमान हैं, कुरान का हुक्म है, ये क़िबला अव्वल हमारा है, ये किसी बादशाह का है, किसी मुल्क का नहीं, ये हमारा क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है और हम कम से कम अपने जज्बात से इस इनके जालिमाना हरकतों की मजम्मत करते हैं और इसराइल और ज़ायनिस ताकतों से कहते हैं कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से कि तुम वहां पर फलस्तीनियों की आबादियों को उजाड़ रहे हो, वहां पर लोगों को मार रहे हो, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं कि किसी के घर में घुसकर कह रहे हैं कि घर हमारा है। मुझे यकीन है कि ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जो जमहूरियत की तालीम और जमहूरियत की तबलीग, जमहूरियत के बारे बड़े बातें करते हैं, आज ये सब तमाशा देखकर गूंगे बने बैठे हुए, गूंगे बने हुए हैं, अंधे हो चुके हैं, मगर अल्लाह हमारे लिए काफी हसबुल अल्लाह होने पर वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। ये ताकतें अगर आज गूंगी और अंधी बने बैठी हैं तो हमको कोई परवाह नहीं, अल्लाह हमारे लिए काफी। तो कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करिए उन मुजाहिदीन के लिए जो आज बेसरो सामानी के आलम में भी मुकाबला कर, क्या है गाजा और वेस्ट बैंक एक खुली जेल है, वो गाजा और वेस्ट बैंक क्या है, मगरबी किनारा गाजा पट्टी का एक खुली जेल है, खुली जेल है, मगर लाखों सलाम उन फलस्तीनियों को जिनके हौसले आज भी बुलंद है, उनके हौसले आज भी बुलंद है। नौजवानों देखो उन लोगों की, उनकी कुर्बानियों को देखो कि तुम आज रमजान के बाद तुम नमाज पढ़ना भूल जाओगे, मगर वो लोग हैं जिनको 16 और 45 साल के दरमियान में आने नहीं दिया था जाता, तो दीवारें कूद कूद कर, दौड़ दौड़ कर लाठियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं कि नहीं मस्जिद अक्सा जाना है, बैतुल मुकद्दस जाना है। लाखों सलाम उन माओं पर जो ऐसे बच्चों को पैदा करके उनको ऐसी तरबियत देती और उनमें जज्बे जिहाद और शहादत को पैदा करती, लाखों सलाम उन हमारी माओं पर। ऐसी ज़ईफ़ औरतें मार खा रही हैं उन इजरायली जालिमों का, उनकी फौज का खून बह रहा है मगर तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको याद रखना है कि ये हमारा क़िबले अव्वल रहा है, याद रखो हशर का मैदान वही होगा, याद रखो हजरत महदी अलैह सलाम अपनी फौज लेकर आएंगे, याद रखो हजरत ईसा अलैह सलाम दोबारा आएंगे, याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी, हमारी हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये कितने क्या करते कर लो हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।